Hello guys, welcome to my YouTube channel. In that video I am gonna teach you how to clone of object which is we can draw in this viewport. So let's start the video. Guys, you have to see there is a window of 3D Max software. For cloning, you can dragging there is a one object which is I have selected in the create geometry. I have selecting there is a geosphere which is appear here. Main yahan pe ek geosphere draw karunga. अब मुझे इसकी कॉपीज बनानी है, इसका क्लोन करना है. तो अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जियोस्पियर है वो उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर सिलेक्टिंग वी कैन प्रेसिंग द शॉर्टकट की W. इससे अब हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब हमें इसका क्लोन बनाना है. तो गाइस बहुत ही इजी टेक्निक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ. इसको क्लोन करने के लिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट की है जो कि हमें प्रेस करनी है शिफ्ट और माउस का जो राइट क्लिक का बटन है इससे सिर्फ हमें इससे मूव करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका उसके ही साइज का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है. यहाँ पे आपको एक विंडो अपेयर होगा इस पर, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोन ऑब्जेक्ट में, क्लोन ऑप्शन में कॉपी ए सिलेक्टेड है. अगर आपको इसके जैसा एक ही कॉपी चाहिए तो आप बना सकते हैं इसी साइज का. अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इस पर इंक्रीज इसकी वैल्यू कर सकते हो. गाइस बहुत ही इजी टेक्निक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हमने तीन क्लोन बनाए थे, यहाँ पे तीन क्लोन अपीयर हो चुके हैं. गाइस बहुत ही इजी टेक्निक है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू गाइस.